हेलो दोस्तों, हम आपको सिंधवर्ल्ड टीवी पे वेलकम कहते हैं। इससे पहले भी हमने एक बायोडीजल जेट्रोफा पे एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद की है। दोस्तों के कुछ मैसेज भी आए थे कि आप इस पे कुछ और वीडियोस बनाएं। वो जो वीडियो थी वो सिंध के शहर भिरिया रोड नौशेर फरोज की थी। आज हम आपको एक तफसीलन वीडियो बना के बता रहे हैं कि ये आपको प्लांट कहाँ से मिलेगा और इस प्लांट को कल्टीवेट करने में कितना टाइम लगता है, इसकी लाइफ कितनी होती है। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो कुछ बड़ी हो और इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें। आज जो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये पौधे कहाँ से मिलते हैं, जिस कंपनी के थ्रू या जिस प्रोमोटर्स के थ्रू मिलते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर करेंगे, इसकी नर्सरी की इन्फॉर्मेशन देंगे। ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी वेराइटी बेहतर है जेट्रोफा की, क्योंकि जेट्रोफा की काफ़ी वेराइटीज़ हैं। जो वेराइटी पाकिस्तान में कामयाब हो सके या सिंध में कामयाब हो सके उसकी हम आपको तफसील देंगे। ये भी बताएंगे कि एक एकड़ में आप कितने पौधे लगा सकते हैं, पौधों के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसकी फ्रूटिंग कैसे हासिल की जा सकती है। ज़मीन में पौधों के लिए ज़मीन किस किस्म की होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर इसको हम काश्त कर सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ये एक हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें आपको प्लांटेशन से लेके डीजल की प्रोडक्शन तक वीडियोस अपलोड करें। ये हमारी दूसरी वीडियो है, इंशाल्लाह हम और भी इस सिलसिले में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप लोग से गुजारिश है कि आप इस वीडियो से देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हो इस सिलसिले में आप तक पहुँच सके, और आप अगर कल्टीवेट करना चाहें तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें। और आखिर में जिस कंपनी के थ्रू आपको ये पौधे मिल सकते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना हम अभी चलते हैं रिजवाना फ्रूट फार्म पे। रिजवाना फ्रूट फार्म से तारिक रिजवाना आपको वेलकम करता है, और आज मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज पिछले दो सालों से मैं जिस चीज़ पे वर्किंग कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो मेहनत रंग लाई है और आज मेरी फसल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग पे आ चुकी है। अब आपका सवाल, डेफिनेट आप सही सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, मैं आखिर इतना खुश क्यों हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है, जेट्रोफा इसका नाम है। जेट्रोफा की वैसे तो 174 किस्में हैं, लेकिन उसमें कुछ किस्में जेट्रोफा करकस एक ऐसा है कि जिसमें ये खूबी पाई जाती है कि उसके सीड से आप डीजल निकाल सकते हैं और उस डीजल से आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं, आप अपना ट्यूबवेल भी चला सकते हैं, आप अपना ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। इवन के न्यूजीलैंड ने इसको रिफाइंड करके इससे जहाज़ यानी 747 तक उड़ा दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले दो सालों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और आज मेरी फसल अल्हम्दुलिल्लाह फल पर आ चुकी है, और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और इससे ये होगा कि हमारे जितने भी काश्तकार हैं उनका ये डीजल का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा। आज मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूं और अपने किसान भाइयों को ये एक पैगाम दे सकता हूं, और भरपूर तरीके से मैं उनको ये कहूंगा, किसान हुण तू पंप ते न जा, अपना डीजल आप होगा। इंशाअल्लाह ताला अब वो वक्त आ चुका है कि हर मेरा किसान अपना डीजल खुद उगाएगा, और इस तरह से उसका जो मसला है डीजल के हवाले से, क्योंकि उसका ट्रैक्टर भी डीजल से चलता है, उसका ट्यूबवेल भी डीजल से चलता है। अब जिस तरह से हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनके दाने घर के हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनका डीजल भी घर का होगा। अब इस पौधे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसकी दरियाफ्त अमेरिका से हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरी दुनिया में लाखों एकड़ के हिसाब से हर मुल्क इसकी प्लानिंग कर रहा है, और जितने भी इस पे जो बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं सन 2008 से स्टार्ट हुए हैं और सन 2015 तक की ये लोग प्लानिंग हर मुल्क कर रहा है। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी मैं बड़े दो साल से इस पे वर्किंग कर रहा था। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं इस टाइम मुल्तान में खड़ा हूँ। मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, यानी पाकिस्तान का एक गर्म तरीन इलाका आप इसको कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्म तरीन इलाके में भी इसकी आपके सामने है कि इसकी शिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सन 2009 के मार्च में मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया था,
और विद इन 7 मंथ आप इस फसल की शक्ल देख सकते हैं कि 7 महीनों के अंदर अंदर ये फ्रूटिंग पे आ चुका है। और इसका सबसे मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जितनी भी फूड क्रॉप है उससे भी आप बायोडीजल बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है बायोडीजल जितनी फूड क्रॉप है उनसे आप, जैसे हमारे सरसों हैं, हमारा मकई है, सोयाबीन है, इससे भी हम बायोडीजल बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी सारी फूड क्रॉप हैं और इन फूड क्रॉप से ज़्यादा आप 100 गैलन पर एकड़ आप हासिल कर सकते हैं। जट्रोफा नॉन फूड क्रॉप है और ये प्योरली हमारा डीजल के लिए अल्टरनेटिव है और इससे आप अकॉर्डिंग टू फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी 600 गैलन आप पर एकड़ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो एक्टिव ग्रोअर हैं हमारे, जो हम अच्छे काश्तकार हैं, अगर इसको ज़्यादा तवज्जो दें तो वो इसमें 4000 लीटर तक यानी 1000 गैलन तक वो जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसमें मैं अगर आपको ये कहना चाहूँ कि अगर हमारा एक मुरब्बे का ज़मींदार अगर इसका 1 एकड़ भी लगा लेता है तो पूरा साल उसको डीजल की किल्लत नहीं होगी, उसके अपने घर का डीजल होगा। और इंशाल्लाह ताला इसमें साथ साथ अभी डेफिनेट पाकिस्तान में इसके लिए रिफाइनरीज भी लगेंगी, लेकिन रिफाइनरियाँ कम अज़ कम आई थिंक 2018 या 2020 तक जाके ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके प्लान करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मुल्कों से हमने कुछ इम्पोर्ट किए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी, अमेरिका से भी, मलेशिया से भी, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है जट्रोफा कर्कस, उसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आपके सामने है कि मुल्तान एक ऐसा है कि जिसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा फ्लोरिश हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। और इसी का मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे मज़े की बात, इसको एकड़ में ये 1000 पौधा आता है, 6 फिट के अगर फासले पे लगाएं तो 1000 पौधा एकड़ में आएगा। तो इस 1000 पौधे से आप मैक्सिमम फ्रूटिंग किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको आपको एक ही दफ़ा लगाना है, ऐसा नहीं है आपको हर साल इसको ग्रो करना है। इस पौधे की लाइफ है 50 से 60 साल, यानी 50 से 60 साल तक आप इस पौधे से डीजल हासिल कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है, ख़ास तौर पे गुड न्यूज़ मैं उन इलाकों के लिए कहूँगा कि जैसे हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे मिट्टी का अंसर है, जैसे हमारे फोर्ट मंटू के पहाड़ आप हैं, कोई सलमान की पूरी बेल्ट हमारे पास पड़ी है, वहाँ पर मिट्टी का अंसर जहाँ 20% है, वहाँ पर ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। और उन इलाकों में एक मसला ये है कि लोगों का सिर्फ रोज़गार ये है कि वो इससे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका रोज़गार है कि वो जानवर वगैरह पाल लेते हैं। और इसकी खूबी आपको ये बताऊं, इस पौधे की ये खूबी है, इसको ना गाय खाती है ना बकरी खाती है, यानी इसके लिए भी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारी जितने भी गैर आबाद रकबे पड़े हैं वहाँ पे भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा डेजर्ट और सेमी डेजर्ट पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड में डेजर्ट पे और सेमी डेजर्ट पे भी इसके ट्रायल जारी हैं, और इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ तमाम दोस्तों के लिए आएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सीड लिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है, उस पनीरी आपको हम दे सकते हैं, और मेरी जो सर्विसेज हैं आप लोगों के लिए, जब तक पौधा लगाने से लेकर जब तक डीजल इसका नहीं निकलता मैं आपको साथ हूँ, आपको सर्विसेज दूंगा। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में मेरा ज़िम्मेदार, मेरा काश्तकार, मेरा किसान अल्हम्दुलिल्लाह डीजल के हवाले से ख़ुद कफील हो। और इसी तरह से अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको देख सकते हैं कि इसकी फ्रूटिंग, ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है और बड़े अच्छे इस पर फूल भी आ रहे हैं। और इसकी नेचर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ये फल निकालेगा और इसके बाद ये टर्मिनल इसका निकलता है, ये टर्मिनल, और इस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है। इसी तरह से साल में ये 2 बार फल उठाएगा, एक तो इसका है अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हैं इसके फल उठाने के। दूसरा अगर आप सीज़न आप आ जाएँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसका फल उठाने का सीज़न है, यानी साल में ये 2 बार फल उठाएगा। और सर्दियां जब पड़ेंगी यहाँ पे, और मज़े की बात यह है कि इसको आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर फर्ज बर्फ़ गिरती है और फ्रीज़ हो जाती है वहाँ ये पौधा नहीं होगा, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है चली जाती है वहाँ पर यह सर्वाइव कर जाएगा। और ऐसी जगह जहाँ पर सेम है, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहता है, वहाँ पे भी ये पौधा नहीं होगा। इसके अलावा तकरीबन पाकिस्तान के हर हिस्से में, हर खित्ते में, चाहे नीचे पानी आपका कड़वा है या मीठा है, हर जगह पे ये सर्वाइव कर सकता है। और बेर के हिसाब से आपको ये बताता चलूं कि ये पौधा इतना स्ट्रॉन्ग है
कि अगर आप इसको 5 से 6 महीने तक भी इसको आप पानी ना दें तो ये पौधा मरेगा नहीं। जैसे ही इस पर अगर बारिशों में भी आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ये बारिशों पर भी चल सकता है। जैसे बारिशें इस पर होगी ये माशाल्लाह बढ़ेगा, फूलेगा, और अगर बारिशें कम हुई तो फिर भी ये पौधा मरेगा नहीं। जैसे जैसे इसको पानी आप देते जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पानी के हवाले से इसका पानी, महीने में एक पानी हम इसको लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल आपके सामने है, बहुत अच्छी फ्लोरिश हुई है। पानी कम चाहिए इसको, साल में अगर 12 पानी इसको मिल जाए तो इसके लिए बहुत है। अब मज़ीद इसका ये है कि मैक्सिमम हम फ्रूटिंग लेने के लिए इसकी क्या टेक्निक्स हैं, वो हम किस तरह से इसका मैक्सिमम फ्रूटिंग हासिल करेंगे, वो आगे चल के मैं इसकी प्रूनिंग टेक्निक्स हैं वो आपको बताता हूँ। ये फल आप देख सकते हैं आगे, ये सबसे पहले इसका इस तरह से ये फल इसका इस तरह से स्टार्ट होता है, ये छोटे छोटे इसके स्टार्ट होंगे। उसके बाद ये कंडीशन आ जाएगी इसका बूर, और इसमें पोलन मेल फीमेल इकट्ठे ही होते हैं, और इस तरह क्रॉसिंग करने में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शहद की मक्खी हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, वो आपको दिखाऊँगा अभी। और इसके फल से नर मादा एक ही उस पर होते हैं, और इस तरह ये फल टिक रहा है। इसकी नेक्स्ट पोजिशन क्या है वो मैं आपको दिखा, और इसी तरह से इस बूर के बाद जैसे इसका ये आप देखें, अगर इस जगह पे आप देखना चाहें तो ये देखें, ये शहद की मक्खी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है क्रॉसिंग कराने में। और इसी तरह से आप देखें कि इस बूर आने के बाद इसकी कंडीशन ये होगी, इसमें मेल फूल जो है वो झड़ जाएंगे, और बाकी इस पर आप देखते हैं कि माशाल्लाह इसके ऊपर ये फल टिकना शुरू हो गया है। और इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फल आपको इसमें जो नज़र आ रहे हैं, यानी इस पे एक बंचिस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मुल्तान गर्म तरीन इलाका है, यहाँ पर आई होप कि ये 50 सेब को भी क्रॉस कर जाएगा। और इसका आप देखते हैं जैसे इसने ये स्टेप उठाया है, अब इसका ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट है, और इसकी 2 बंचिस यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। अब ये तकरीबन हर सीज़न में 3 बंचिस तक ये फल उठाता है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं ये सारा इसका फल टिक रहा है। आगे मैं आपके चल के आपको दिखाऊंगा, इसकी फ्रूटिंग में आपको दिखाता हूं। और इसको अगर पौधे को आप नीचे से देखें तो अब आपको ये एक पौधा दिखाना चाहूंगा, इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त फ्रूटिंग आई हुई है, और इसको देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट और सेकेंड थर्ड स्टेज तक ये पहुँचा हुआ है। पहली स्टेज में आप देखें कि इसका ये फल जो काफ़ी बड़ा हो चुका है इस टाइम, ये आप देख सकते हैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग इस पर आई हुई है, और इसके साथ ही ये सेकंड स्टेज है इसकी, और ये थर्ड स्टेज का फल ये उठा रहा है। और इसी तरह अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त इस पर फ्रूटिंग है, और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का ये फल उठा रहा है। और इसी तरह से ये इसकी हर ब्रांचेस पे अगर आप देखें तो माशाल्लाह बहुत है। ये छोटा पौधा है, इसकी उम्र तकरीबन 7 माह है, और इस पर देख सकते हैं कि कितनी इस पर फ्रूटिंग है। और डेफिनेट अगर थोड़ी सी हम इसकी केयर करें तो इसमें 4000 लीटर तक हम इंशाल्लाह ताला पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से आप ये देखें कि इसके अंदर हर उसमें 3 सीड होते हैं, 3 से 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी अवेलेबल जो वैरायटी हैं 3 सीड इस पर होते हैं। और उस सीड को निकाल के उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, किसी भी हम आम एक्सपायलर से निकाल सकते हैं। बाकी जो इसको रिफ़ाइन करना है उसके लिए हम आपको चाइना की छोटी रिफाइनरी देंगे, जिससे आप रोज़ाना का 200 लीटर अपने घर बैठ के, अपने ज़मीन पे बैठ के, अपने खेतों में बैठ के आप अपना डीजल उसको आप बना सकते हैं, और अपने आप को अपना ट्रैक्टर भी चलाएं, अपना ट्यूबवेल भी चलाएं, अपनी गाड़ी भी चलाएं। दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि ये आप यहाँ इनके प्लांट्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये 4 फ्रेंड ग्रुप कंपनी है मुल्तान में, ये बायोडीजल के डीलर्स हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तारिक रिजवाना साहब हैं यहाँ पे, उनका नंबर भी लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता करें। उसके अलावा इनके साथ होते हैं हैदर आवान साहब, उनका नंबर भी लिखा हुआ है, ये काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान पे, जेट्रोफा पे, तो आपको इनके पास हर वैरायटी मिल जाएगी। ये बायोडीजल प्रोमोटर और कंसल्टेंट हैं, आपको जिसको भी चाहिए ये नंबर मेंशन है, आप काइंडली इनसे रब्ता कर लें। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार करें जो जेट्रोफा के मुतालिक होगी, और मज़ीद चीज़ें लेकर हम आपके पास जल्द आएंगे। बहुत शुक्रिया।